अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सवाल है आपके पास प्रूफ दैट का, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपके पास प्रूफ दैट के ही सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास जो है वो प्रूफ दैट का है। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे इसका कॉपी कर दिया। देखिए, रफ वर्क में मैंने आपके पास ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी है, ठीक है। तीनों जो है वो आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे लिख दी है थोड़े गैप से। और देखिए, गैप मैंने यहाँ पे क्यों दिया है कि एक तरीके से आपके पास ये तीन फॉर्मूलाज हैं। अब इन तीन फॉर्मूला में से हर एक फॉर्मूले के मैं यहाँ पे मजीद दो फॉर्मूले और बनाऊंगी इसी से ही, ठीक है। इन्हीं आइडेंटिटीज से हर एक आइडेंटिटी के मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले जो है वो बनाऊंगी। किस तरीके से, देखिये यहाँ पर है फर्स्ट आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं कॉस को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवा दूंगी। किस तरीके से, देखें, सपोज मैंने यहाँ पे जो है वो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना था, या मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी थी यहां से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने कॉस को जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवाना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी आपके पास 1 है, 1 से आगे आप जाके इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा था, वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका जो है वो सेकंड फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे आपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो अब आप साइन को वहां भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो ये आइडेंटिटी है। अब देखिए, यहां पर है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सीकेंट की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से अगर आपको टेंजेंट की वैल्यू चाहिए होगी तो ये प्लस 1 कहां आ जाएगा, यहां सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, ये सीकेंट की वैल्यू जो है वो यहां पे आपके पास दी हुई है। अब देखिए, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यहां पर अगर आपको राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, जैसे देखें इस फर्स्ट आइडेंटिटी में आपके पास है, इसी तरीके से अगर आपको सेकेंड आइडेंटिटी में भी राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए तो आप टेंजेंट को कहां ले आएंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा के पास। यहां ये इस वक्त प्लस साइन के साथ है, यहां आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से ये आपने इसके दो फॉर्मूले बना लिए। नेक्स्ट है आपके पास ये, देखिए, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे भी आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो है मैं यहां पे इसको 1 कॉट स्क्वायर थीटा को यहां ले आऊंगी तो आपके पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये प्लस 1 यहां आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ आके हो जाएगा माइनस 1, और इस तरीके से आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इन्हीं तीन आइडेंटिटीज से आपने हर एक आइडेंटिटी के दो दो फॉर्मूले बना लिए। अब आपके पास ये टोटल जो है वो एक तरीके से 9 फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, देखिए इन चीजों को यहाँ पे लिखने का जो है वो एक रीजन था। ये सब चीजें जो है वो आपके पास इन सवालों में या इन पार्ट्स में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के इन पार्ट्स में यूज होंगी। तो चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए, आप चाहे तो राइट हैंड साइड ले लें या लेफ्ट हैंड साइड ले लें, जो भी आप साइड लेंगे आपको जो है वो दूसरी साइड प्रूफ करके लेकर आनी है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही ले लूंगी।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे ले लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे इसे इस तरीके से सॉल्व करना है कि मेरे पास ये चीज आ जाए, ये देखिए 1 माइनस और ये 2 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड पे जो आंसर मुझे प्रूफ करके लेकर आना है वहां पर साइन नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, थोड़ी देर लगे हम स्क्वायर को भी निग्लेक्ट कर दें, तो मीन्स के कॉस फॉर्म में जो है वो आपका आंसर आना चाहिए। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने साइन यहाँ पे लिया हुआ है ऑलरेडी, तो हमें साइन को जो है वो इस साइन की जगह ऐसी वैल्यू या ऐसी चीज रखनी है कि हमारे पास ये चीज आ जाए। तो देखें यहां से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इस तरीके से यहाँ पे रेफरेंस भी देंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये रेफरेंस आपने लाजमी देने। तो अब आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से आप लिखेंगे देयर फोर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये वैल्यू रख देंगे इसकी जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आप जो है वो यहाँ पे गौर से देखिएगा कि राइट हैंड साइड में आपके पास कहीं साइन यूज नहीं हो रहा, अब आपके पास कॉस यूज हो रहा है। तो आपने यहाँ पे इस साइन की जगह ऐसा कुछ जो है वो यूज करना है कि आपके पास ये वाली साइड आ जाए। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो मैंने यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखें ये ब्रैकेट किस तरीके से ओपन हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 वन्स आर 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसे लिख दिया। अब देखें ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, 2 जो है वो उसका एज अ कोफिशियंट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखें प्लस माइनस माइनस 2 में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, और ये प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आप एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। अब थोड़ा सा यही आपका यहाँ पर जो है वो आंसर आ गया एक तरीके से थोड़ा सा, लेकिन अगर आप सवाल के हिसाब से इसको अगर सॉल्व करके लिख लें, सेट करके, सॉरी सॉल्व करके नहीं सेट करके लिख लें, क्योंकि देखिए नंबर जो है वो स्टार्टिंग का यानी कि जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। तो हम ये पॉजिटिव वाला नंबर हमने पहले लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ गया और ये देखिए -1। थोड़ा सा इसको हमने अरेंज करके लिख दिया आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास नंबर 2। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सेकंड पार्ट है इसका। यहां पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 है। देखिए इस सवाल में भी अगर आप राइट हैंड साइड पहले लेते तो क्या चीज करते, 2 को सेपरेट करके कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जो है वो आप ये रख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर आप सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता। अब देखिए यहां पर आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसलिए यहां पे भी हमें जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए यहां पर आपके पास ये ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, 2 टर्म्स है इसमें, बीच में नेगेटिव साइन है, बाहर स्क्वायर है। मीन्स के यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर आप रेफरेंस दे सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जैसी आपने ले ली तो यहां पर आपको जो है वो फॉर्मूला बनता हुआ नजर आया, आपने इस चीज का रेफरेंस यहां पर दिया और उसको फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर आपने बना लिया और सेकंड टर्म आपके पास जो है वो एज इट इज आ जाएगी। अब ये देखें ए आपका जो है वो कॉस थीटा है,
और ये आपका जो है वो साइन थीटा। ठीक है, अब ये आप जो है वो ब्रैकेट यहां से ओपन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने सारे ब्रैकेट्स ओपन कर लिए। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये आपके पास आ गई सेकंड टर्म। अब ये देखिए यहां पर आपके पास आ रहा है माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर आ रहा है प्लस का टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, सेम है, ऑपोजिट साइन है। ठीक है, और यहां जो आपके पास बच गया वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये याद रखिएगा, आपने जितनी दफा जहां जो फॉर्मूला यूज करना है उसका आपने रेफरेंस जरूर देना है साइड में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के। तो ये इस तरीके से आपने रेफरेंस दे दिया और यहां इसकी जगह आपने लिख दिया वन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।